ये चैनल आई टी स्टूडेंट और वो स्टूडेंट जो मेट्रो मेंटेनर, टेक्निकल हेल्पर या अन्य किसी आईटीआई इलेक्ट्रिशियन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि हमारे इस चैनल में आपको आईटीआई सिलेबस के साथ साथ क्वेश्चन के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि अगले आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं विद्युत मापक यंत्र में अमंदक टॉर्क। इसे पिछली क्लास में भी आपने अमंदक टॉर्क के बारे में पढ़ा था। अमंदक टॉर्क जो लगाने की प्रणाली है वो आपने पढ़ी थी, वायु अमंदक प्रणाली, ठीक है। आज भी अपन अमंदक टॉर्क में पढ़ेंगे, जो उसकी बाकी जो दो प्रणालियाँ बच गई थी उसके बारे में। अभी बात करते हैं एडीदार अमंदक प्रणाली, ठीक है। इसलिए पहले आपने पढ़ा था वायु अमंदक प्रणाली, अब है एडीदार अमंदक प्रणाली, इसके आगे द्रव अमंदक प्रणाली आएगी। तो सब में जब अपन ये जो प्रणालियाँ उपयोग कर रहे हैं इन सब में अपन डैम्पिंग टॉर्क लगाएंगे, ठीक है। वायु अमंदक प्रणाली में भी आपने पढ़ा था, उसमें भी अपने डैम्पिंग टॉर्क कैसे लगाते हैं वही पढ़ा था। अब एडीदार अमंदक प्रणाली है, इसमें भी यही पढ़ेंगे कि अपन जो अमंदक टॉर्क को कैसे लगाते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। इस प्रणाली में यंत्र के स्पिंडल के साथ एक एल्यूमिनियम अथवा तांबे से बनी एक गोल चक्की लगाई जाती है। भाई देखो, सब में लगभग सेम आ रहा है कि यंत्र का जो स्पिंडल है उस एल्यूमिनियम या तांबे से बनी एक गोल चक्की लगाई जाती है, ठीक है। चक्की को एक स्थायी चुंबक के ध्रुव के बीच गैप में रखा जाता है। जो स्पिंडल है उसके साथ जो एल्यूमिनियम की जो चक्की लगी हुई है उसको अपन कहाँ लगाते हैं, स्थायी चुंबक के ध्रुव के बीच में अपन उसको रखते हैं, ठीक है भाई। दो ध्रुव है एन और एस, उसके बीच में अपन किसको रखेंगे, एल्यूमिनियम या तांबे से बनी एक गोल चक्की को, ठीक है। जब विक्षेपक टॉर्क के कारण यंत्र का स्पिंडल घूमता है तो उसके साथ ही एल्यूमिनियम की डिस्क भी घूमती है, ठीक है। तो उसके साथ ही एल्यूमिनियम की डिस्क भी घूमती है। भाई स्पिंडल है, स्पिंडल के साथ अपन ने एल्यूमिनियम की जो चक्ती है उसको जोड़ रखा है, तो जब स्पिंडल घूमेगा, स्पिंडल घूमेगा तो क्या घूमेगा, एल्यूमिनियम की डिस्क भी घूमेगी, ठीक है। स्थायी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में गति करने के कारण डिस्क में एडीदार उत्पन्न हो जाती है। भाई देखो, स्थायी चुंबक है, स्थायी चुंबक है तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी परमानेंट ही है, ठीक है। वो भी एन से एस जा रहे हैं, अगर उसके बीच में पड़े किसी भी धातु चुंबक जिसमें चुंबक के गुण ऐसे धातु को घुमाएंगे तो उसमें क्या पैदा होगा, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, ठीक है। अगर उसमें चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय क्षेत्र में गति करने के कारण क्या होगा, डिस्क में एडीधारा उत्पन्न हो जाएगी जो अमंदक टॉर्क उत्पन्न करती है। लेंज के नियमानुसार इस प्रणाली का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ स्थायी चुंबक हो, यह सफल प्रणाली है। देखो इसको समझो, स्थायी चुंबक है, उस स्थायी चुंबक के बीच में अपन क्या रख दी, एक एल्यूमिनियम की डिस्क रखी हुई है, ठीक है। जब उस स्थायी चुंबक के बीच में अपन एल्यूमिनियम डिस्क को घुमाएंगे तो स्थायी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण डिस्क में एडीधारा उत्पन्न हो जाएगी, और ये जो एडीधारा उत्पन्न होगी ये किस नियम के अनुसार होगी, लेंज के नियम के अनुसार। लेंज नियम के अनुसार ये जो धारा उत्पन्न होगी ये धारा कौन सी होगी, एडीधारा, मतलब ये जो स्थायी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है इस चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में पैदा होगी, ठीक है। ये इसकी विपरीत दिशा में पैदा होगी तो इसको क्या करेगी, विरोध करेगी, विरोध करेगी तो इसमें जो संकेतक है उसकी गति को ये क्या कर देगा, थोड़ी धीरे कर देगी, ठीक है। देखो एक बार डायग्राम से समझो, एक छोटा डायग्राम है, ठीक है। ये देखो पैमाना है, ये संकेतक है, ये स्पिंडल है, ये स्थायी चुंबक है ये वाली, ठीक है।
ये एक एल्यूमिनियम की डिस्क है और ये दो क्या है, ज्वेल बेरिंग है। ठीक है, देखो जब इसमें विक्षेपक टॉर्क पैदा होगा, विक्षेपक टॉर्क के कारण ये जो इस पेंडल है घूमेगा, इस पेंडल घूमेगा तो इस पेंडल के साथ वो क्या जुड़ी हुई है, संकेतक भी जुड़ा हुआ है, ये डिस्क भी जुड़ी हुई है, तो संकेतक भी घूमेगा, डिस्क भी घूमेगी। अब डिस्क देखो, संकेतक तो कम मान से अधिक मान की तरफ जाएगा, लेकिन डिस्क देखो, डिस्क के चारों तरफ देखो ये क्या है, स्थायी चुंबक है। जैसे मान लिया यहाँ पे एन है और यहाँ पे एस है, ठीक है, ये एन एस ऑल है, ये जुड़वा नहीं है, यहाँ से थोड़े खुले हुए हैं, ओपन है। इसके बीच में अपन इस डिस्क को घुमाएंगे, इस डिस्क को घुमाएंगे तो इसमें क्या पैदा होगा, इसमें एक धारा उत्पन्न होगी इस डिस्क में, उस धारा को अपन किस नाम से जानते हैं, एडी धारा। ठीक है, और ये धारा स्थायी चुंबकीय क्षेत्र के, विपरीत होगी। विपरीत होगी तो ये क्या करेगी, इस डिस्क की गति को या इस पेंडल की गति को क्या कर देगी, कम कर देगी, क्योंकि विपरीत घूमेगी तो धीरे घूमेगी, धीरे घूमेगी तो ये इस पेंडल की गति को या संकेत की गति को क्या कर देगी, धीरे कर देगी। और इससे जो ये कंपन होता है, ये कंपन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अपन जो एडी धारा है इसका उपयोग अपन क्यों करते हैं, आमंत्रक टॉर्क उत्पन्न करने के लिए करते हैं। और आमंत्रक टॉर्क क्यों करते हैं, क्योंकि जो संकेत है किसी कंपन को समाप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं, आमंत्रक प्रणाली उपयोग करते हैं। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, देखो ये स्थायी चुंबक है, इस स्थायी चुंबक के बीच में इस डिस्क को घुमाएंगे तो इस डिस्क में एक एडी धारा उत्पन्न होगी, वो एडी धारा इसके स्थायी चुंबक के क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी, जिससे जो कंपन होता है उस कंपन को समाप्त कर देती है। ठीक है, ये तो थी एडिदार अवमंदक प्रणाली। इसके आगे एक और देखो, द्रव अवमंदक प्रणाली। देखो ये क्या है, ये भी उसी का पार्ट है, अवमंदक प्रणाली का लास्ट पार्ट, तीसरा पार्ट कौन सा, ये द्रव घर्षण अवमंदक प्रणाली। ठीक है, इस प्रणाली में यंत्र के इस स्पिंडल से एल्यूमिनियम धातु से बने चार पंखे जुड़े होते हैं, कितने पंखे जुड़े होते हैं, चार पंखे, और उन्हें द्रव से भरे कक्ष में रखा जाता है। भाई द्रव लिक्विड कुछ भी रख सकते हो आप, लेकिन कैसा होना चाहिए वो, थोड़ा लिक्विड होना चाहिए। जब विक्षेपक टॉर्क के कारण यंत्र का स्पिंडल घूमता है, ठीक है, यंत्र का स्पिंडल किसके कारण घूमता है, विक्षेपक टॉर्क के कारण, तो उससे जुड़े पंखे द्रव में डूबे होने के कारण धीरे धीरे गति करते हैं। अब विक्षेपक टॉर्क के कारण जब स्पिंडल घूमेगा, ठीक है, लेकिन अपने क्या किया, उस स्पिंडल पे अपने चार पंखे जोड़ रखे हैं, तो पंखे भी घूमेंगे क्योंकि वो स्पिंडल पे जुड़े हुए हैं, तो ये जो पंखे हैं वो फिर द्रव में डूबे हुए हैं, इससे जो स्पिंडल है वो कैसे घूमेगा, धीरे धीरे घूमेगा, जिससे अवमंदक टॉर्क उत्पन्न हो जाता है, ये उस कंपन को समाप्त कर देता है, और ये क्या कहलाता है, अवमंदक टॉर्क। यह प्रणाली केवल ऐसे मापक यंत्रों में उपयोग की जाती है जिन्हें ऊर्ध्वाधर स्थिति में या किसी एक नियत स्थान पर, जैसे पैरेलल बोर्ड या प्रयोगशालाओं में उपयोग किया जा सकता है। देखो द्रव जो प्रणाली है उसको कैसे रखेंगे अपन, ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखेंगे, वो सिर्फ एक नियत, एक फिक्स स्थान पे, एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, क्योंकि जो द्रव है वो उछल के बाहर आ सकता है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, नियत इनका उपयोग तो कहाँ करते हैं, पैनल बोर्ड पे या प्रयोगशालाओं में प्रयोग करने के लिए अपन इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक डायग्राम दे लो थोड़ा सा। तो ये क्या पैमाना है, ये संकेतक है, ये स्पैंडल है, ये पंखा है, ये द्रव है, ये ज्वेल बेयरिंग है। देखो विक्षेपक टॉर्क के कारण जब ये संकेतक घूमेगा, तो संकेतक घूमेगा तो संकेतक किसी जुड़ा हुआ है, स्पैंडल से, स्पैंडल भी घूमेगा, स्पैंडल पे क्या लगा हुआ है, चार पंखे लगे हुए हैं, पंखे भी घूमेंगे, और पंखे द्रव में हैं तो पंखे घूमेंगे तो थोड़े हार्ड घूमेंगे, हार्ड घूमेंगे तो इसकी स्पीड है स्पिंडल की थोड़ी क्या हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, गति कम हो जाएगी, तो इसमें कौन सा टॉर्क पैदा हो जाएगा, अवमंदन टॉर्क पैदा हो जाएगा, अवमंदन टॉर्क पैदा हो जाएगा, जिससे जो इसका जो कंपन था वो भी क्या हो जाएगा,
कंपन मुक्त हो जाएगा ये। देखो हार्ड ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जब इसमें विक्षेपक टॉर्क के कारण ये स्पिंडल घूमता है, स्पिंडल से संकेतक जुड़ा होता है और चार पंखे जुड़े होते हैं, तो जब स्पिंडल घूमेगा तो स्पिंडल से जुड़े चार पंखे भी घूमेंगे, और पंखे किस में डूबे हुए हैं, द्रव में डूबे हुए हैं, तो थोड़े हार्ड घूमेंगे, हार्ड घूमेंगे तो स्पिंडल की गति क्या हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी, और गति कम होने के कारण इसमें क्या पैदा हो जाएगा, अवमंदक टॉर्क पैदा हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी देखो यही है कि जो अपना जो एडी धारा अवमंदक प्रणाली है वो कैसे क्या काम करती है। देखो आपने ये पढ़ा था, एक बहुत नॉर्मल सा डायग्राम बनाते हैं अपन, ये एन और ये एस है, ठीक है, इस पे चालक लगा रखे जैसे अपन ने, इस बार इस पे चालक है, ठीक है, चालक किसके हैं, एल्यूमिनियम के हैं, और ये क्या है, ये दोनों क्या है, स्थायी चुंबक है, ठीक है, स्थायी चुंबक। जब इस स्थायी चुंबक के बीच में अपन इस चालक को घुमाएंगे तो इस चालक में क्या पैदा होगा, धारा उत्पन्न होगी, ये जो धारा उत्पन्न होगी ये धारा इस स्थायी चुंबक के क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी, विपरीत दिशा में होगी, और ये जो धारा होगी अपन इसको कौन सी धारा बोलेंगे, एडी धारा, कौन सी धारा बोलेंगे, एडी धारा बोलेंगे अपन इसको, ठीक है। तो इससे जो एडीकरण अवमंदक प्रणाली है इसमें सिर्फ यही होता है, ये स्थायी चुंबक हो गई, इसके बीच में एक चालक है एल्यूमिनियम का, जब इस चालक को इस स्थायी चुंबक के बीच में घुमाएंगे तो इसमें एडी धारा उत्पन्न होगी, और ये एडी धारा चुंबकीय क्षेत्र में विपरीत दिशा में होगी, और ये एडी धारा कौन से प्रभाव के कारण होती है, लेंज के नियम के अनुसार। देखो लेंज का नियम क्या है, लेंज का नियम था कि जो जिसके कारण पैदा होता है वो उसी का विरोध करता है। देखो इस शक्ति में जो धारा पैदा हो रही है तो ये धारा किसके कारण पैदा हो रही है, स्थायी चुंबक के कारण, और ये धारा हमेशा स्थायी चुंबक का ही क्या करती है, विरोध करती है, इसलिए ये जो इसमें कौन सा नियम लगता है, लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या था कि जो जिसके कारण पैदा होता है उसी का विरोध करती है, इसमें भी वही हो रहा है कि इस शक्ति में जो धारा है वो स्थायी चुंबक के कारण पैदा हो रही है, और ये इस स्थायी चुंबक के कारण पैदा हो रही है, और ये शक्ति उसी का क्या कर रही है, विरोध कर रही है, ठीक है। एक बार देख लो, दोबारा और देख लो एक बार, एडी धारा अवमंदक प्रणाली, इस प्रणाली में यंत्र के स्पिंडल से एल्यूमिनियम अथवा तांबे से बनी एक गोल चक्की लगाई जाती है। पहले वो गोल चक्की अपन किस पे लगाते हैं, स्पिंडल पे लगाते हैं, अब वो एल्यूमिनियम की भी हो सकती है, तांबे की भी हो सकती है, लेकिन वो ऐसी धातु की होनी चाहिए जिसमें चुंबकीय क्षेत्र के गुण होने चाहिए। शक्ति को एक स्थायी चुंबक के ध्रुव के बीच गैप में रखा जाता है, जब विक्षेपक टॉर्क के कारण यंत्र का स्पिंडल घूमता है तो उसके साथ ही एल्यूमिनियम की डिस्क भी घूमती है। इस तरह चुंबकीय क्षेत्र में गति करने के कारण उस डिस्क में एडी धारा उत्पन्न हो जाती है, ये एडी धारा किसके कारण उत्पन्न होती है, लेंज के नियम के अनुसार, जो अवमंदक टॉर्क उत्पन्न करती है। लेंज के नियम के अनुसार इस प्रणाली का उपयोग वहां किया जाता है जहां स्थायी चुंबक। देखो अपन एडीकरण का अवमंदक प्रणाली कब उपयोग करेंगे, जब उस यंत्र के अंदर स्थायी चुंबक होनी चाहिए, अगर स्थायी चुंबक होगी तभी अपन क्या करेंगे, ये यंत्र ये प्रणाली उपयोग लेंगे, अगर उसमें अस्थायी चुंबक है तो अपन ये प्रणाली उपयोग में नहीं लेंगे। ये एडीकरण द्वारा अवमंदक प्रणाली स्थायी चुंबक के लिए है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। आ जाएगी अवमंदक प्रणाली अपन स्थायी चुंबक के लिए कौन सा लेंगे, एडी धारा अवमंदक प्रणाली, इसका आपको मैंने डायग्राम समझा ही दिया। ये दो ज्वेल बेरिंग है, ज्वेल बेरिंग क्यों लगाते हैं, इसको सरलता से घुमाने के लिए, पैमाना नहीं होगा तो अपन बता नहीं पाएंगे कितनी रीडिंग है, अगर पैमाना है संकेतन नहीं होगा तो रीडिंग का पता नहीं चलेगा कितनी जा रही है, ठीक है,
इस पर डलने होगा, तो इस पर डलने होगा तो अपने संकेतक ये डिस्क ये कहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो सब इसके पार्ट्स का नाम याद रखना है कि कौन से पार्ट्स को क्या बोलते हैं, कैसे क्या काम करती है, ठीक है। द्रव घर्षण प्रणाली बताई थी मैंने आपको, दोबारा और देख लो। इस प्रणाली में यंत्र के स्पिंडल से एल्यूमिनियम धातु से बने चार पंखे जुड़े होते हैं, ठीक है। स्पिंडल से एल्यूमिनियम धातु के चार पंखे जुड़े होते हैं, ठीक है। और उन्हें द्रव में ब्रेक कक्ष में रखा जाता है, ठीक है। उन पंखों को अपन कहाँ रखते हैं, एक द्रव है उस द्रव के बॉक्स में रखते हैं अपन उसको। विक्षेपक टॉर्क के कारण यंत्र का स्पिंडल घूमता है, तो उससे जुड़ी पंखे द्रव में डूबे होने के कारण धीरे धीरे घूमते हैं। भाई देखो, जब इस पेडल घूमता है तो इस पेडल के साथ जुड़े पंखे भी घूमेंगे। अब पंखे घूमे तो पंखे किसी भी डूबे हुए द्रव में डूबे हुए, तो उनकी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि ये द्रव पे द्रव का क्या करता है, विरोध कर रहा है, विपरीत दिशा में काम करता है। तो ये जो इनका जो कंपन होता है वो कंपन समाप्त हो जाता है, जिससे अवमंदक टॉर्क उत्पन्न हो जाता है। यह प्रणाली केवल ऐसे मापक यंत्रों में उपयोग की जाती है जिन्हें ऊर्ध्वाधर स्थिति में किसी एक नियत स्थान पर रखा जा सके। देखो, जो द्रव अवमंदक प्रणाली उसको उपयोग कहाँ करते हैं अपन, ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखना। अगर अपन ऊर्ध्वाधर नहीं रखेंगे तो ये जो द्रव है वो बाहर निकल जाएगा और अपना जो यंत्र है वो अच्छी तरह काम नहीं करेगा। और इसको एक नियत स्थान पर रखना चाहिए, जैसे पैनल बोर्ड हो गए और जो प्रयोगशाला हो गई, तो प्रयोगशाला में इसको स्थिर रखना चाहिए। अगर आप इसको एक जगह रख दिए तो वहाँ से लाना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर अपन क्या भरते हैं, द्रव में द्रव भरते हैं। अगर द्रव भरते हैं तो द्रव बाहर निकल जाएगा, तो ये जो अपना मीटर है वो अच्छी तरह काम नहीं करेगा। तो देखो, विक्षेपक टॉर्क के कारण जब ये स्पिंडल घूमेगा तो स्पिंडल से जुड़े संकेतक और इससे जुड़े चार पंखे भी घूमेंगे। पंखे घूमेंगे तो पंखे किस पर डूबे हुए, द्रव में डूबे हुए। तो द्रव में डूबे हुए तो पंखों की गति क्या हो जाएगी, या स्पिंडल की गति क्या हो जाएगी, कुछ कम हो जाएगी। गति कम होने के कारण इसमें कौन सा टॉर्क पैदा हो जाएगा, अवमंदक टॉर्क पैदा हो जाएगा। और अवमंदक टॉर्क पैदा होने के कारण इस संकेतक का जो कंपन था वो कंपन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, अपन ने जो वायु अवमंदक प्रणाली पढ़ी, एडी करंट अवमंदक प्रणाली पढ़ी और द्रव घर्षण अवमंदक प्रणाली पढ़ी, तो ये तीनों प्रणालियों में अपन ने क्या किया है, इन तीनों प्रणालियों में अपन ने जो संकेतक है उसके कंपन को समाप्त किया है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।